सीधा वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मेरे साथ राशिद है और राशिद हमारा पुराना पेशेंट है। राशिद, कुछ अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, यहाँ पे इस बार क्यों आए हो? ऑन एंड ऑफ ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता रहता है, इस बार क्यों आए ये बताओ। जी, मेरे यहाँ शोल्डर में पेन है और लोअर में, जैसे अब लेटने पे नींद भी नहीं आ रही है दो चार दिन से। मतलब पेन बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरे पहले भी कराया था, लास्ट हो गया, दो साल हो गया, तो मेरा ठीक हो गया था। शोल्डर पेन बहुत ज्यादा था, अब ठीक है। मतलब अभी फिर दोबारा मुझे प्रॉब्लम होने लगी, तो इसलिए मैं दोबारा सर के पास आया। तो राशिद की एक जो बड़ी प्रॉब्लम है कि राशिद, तुम प्रोफेशनल लिफ्टिंग करते हो या अपने शौक के तौर पे करते हो? नहीं, प्रोफेशनल भी है और शौक भी है, बट जिम भी है मेरा कालकाजी में, तो वहाँ जिम भी चलाता हूँ मैं। और फिर लड़कों को भी ट्रेन करना पड़ता है कंपटीशन वगैरह के लिए, प्रिपरेशन के लिए। मैं खुद भी तैयारी करता हूँ कंपटीशन की। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत अच्छी शेप में है, बट ये बहुत स्ट्रांग है, बट इस स्ट्रांगनेस की कीमत चुकानी पड़ती है, वो है बड़ा साइज। जैसे साइज बढ़ता है मसल का, वैसे जॉइंट्स कम काम करते हैं, जॉइंट्स ज्यादा मूव नहीं करते, यानी कि मोबिलिटी कम हो जाती है जी। अब वो मोबिलिटी कम हो जाती है तो मसल बढ़ता जाता है, अब प्रेशर तो यहाँ आएगा। जब तक की मोबिलिटी नहीं आएगा, उसका कंधा में पीछे से दिखाओ, अगर उसको पीछे ले जाने की कोशिश करूं तो पीछे जा पा रही है, कंधे जस्ट आगे आ पा रही है। सीधे करो और पीछे दबाओ उसको, इसको दबाओ, हाँ और दबाओ और खींचो, अब फील हो रहा होगा टाइट, है ना? तो बेसिकली इसने इस पोजीशन में चेस्ट आगे लाई है, शोल्डर पीछे नहीं ले गए, इसने सिर्फ अपने बैक को इरेक्ट कर लिया है। अगर ये इसको रिलैक्स करो यहाँ से, हाँ रिलैक्स करो, अब सिर्फ शोल्डर पीछे ले जाओ, शोल्डर पीछे करो। देखो ये कर ही नहीं पा रहा, ये एल्बोस पीछे आ जाएंगे बट ये ब्लेड्स पीछे नहीं आ पाएंगे। तो ये हमें जब तक ये नहीं मोबिलिटी आएगी तो ये चेस्ट भी ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेगी, और सारे प्रेशर कहाँ पे आएगा? शोल्डर पर, क्योंकि इसकी मोबिलिटी मूवमेंट ही नहीं होगी। आप शोल्डर भी अगर चला के दिखाओ, सामने से चलाओ शोल्डर, देखिए ऊपर नीचे, हाँ अब देखो इसका ये मूवमेंट कितना कम है, जबकि ये आप देखेंगे नॉर्मल आदमी में, और ऊपर जाओ हाथ को और चलाओ, हाँ इससे भी ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए, है ना? तो ये जब तक कि इसकी स्कैपुला की मूवमेंट्स नहीं बढ़ेंगी, चाहे जैसे करो, लाइट वेट से करो, हैवी वेट से करो, ये मूवमेंट होनी चाहिए। हैवी वेट होने की वजह से मसल हैवी से ये मसल्स और ये जॉइंट्स स्टिफ होने लग जाते हैं, इसकी वजह से ये अभी गेनिंग में हो, अभी गेनिंग में, तो गेनिंग में ये दर्द जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है सो नहीं पा रहा है, उसी वजह से है। हम जॉइंट्स को मसल्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से ज्यादा मैं ये बोलूंगा ये प्रोसीजर है, जो ये गेनिंग साइकिल में आएगा, इसके जॉइंट्स स्टिफ होंगे, हम उसको खोलेंगे, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे इसका वेट कम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बीमारी नहीं बोलेंगे इस चीज को। मैंने इसके लिए कपिंग की है, नीडलिंग की है, और जब ये एक दो दिन में दोबारा आएगा तो मैं दोबारा इसका वो करूंगा, रिलीज करूंगा, दूसरी चीजें करूंगा। तो आओ राशिद, देखेंगे मैं आपका एडजस्टमेंट करता हूँ, जो कि व्यूअर्स जगह देख सकते हैं, वेल डिफाइंड मसल्स है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, जॉइंट स्टिफ होंगे ही, तो ये एक्सपेक्ट कर लेना कि बहुत ज्यादा जाना चाहिए। इजी करो, इजी, नाइस, ओके, टर्न करेंगे मेरी तरफ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ है। अगर मेरे भी बहुत ज्यादा मसल बन जाए तो मैं भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत ज्यादा मस्कुलर होना आप प्रेशर नहीं लगा पाते, क्यों राशिद? है ना, अगर कोई जो छोटी बड़ी चीज करनी हो, प्याज काटना, टमाटर काटना, वो भी नहीं हो पाएगा जी। क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट्स के लिए मसल यूज हो गई है। Easy.
करता हूँ, हाथ दिखाओ जरा, ये भी दिखाओ, दोनों दिखाओ। अब इस हाथ में आप देख सकते हो कि ये हाथ ज्यादा वेट ले रहा है, ये हाथ कम वेट ले रहा है, तू भी देखें है ना, ये आर्म वीक हो गया है, ये आर्म स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसकी भी तुझे कीमत चेस्ट में शो करनी पड़ी, सिर्फ कि चेस्ट में थोड़े से साइज में फर्क होगा, तो कोशिश कर कि इस, हाँ, इसकी ग्रिप पीछे से स्ट्रॉन्ग कर, ठीक है ना, ठीक है, इसको कम करने की जरूरत है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अच्छा हाँ, मेरे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पकड़ने में ग्रिप, और इसमें थोड़ा सा तो माइंड को ट्रेन करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा था परसों, तो एक इस पे तो ठीक आ रहा है, वो इस पे आ नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ से माइंड से ट्रेन करना है, ये वेट कम नहीं करना है, लेकिन इसको सिग्नल देना है कि फास्ट कर, यानी कि इससे मुझे अच्छी ग्रिप चाहिए, ठीक है, इजी, छोड़, अब इतने सालों से जब से आ रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है एक्टिव प्लस के साथ, हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहो, क्यों, यानी जो भी है आपके दिल में, क्यों आप आते हो जो बाकी लोगों को कनेक्ट कर सके? मेरे को बहुत रिलीफ मिला है यहाँ से, मैं तो अपना हाथ भी नहीं उठा पाता था, बस अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और पहले भी मैंने कराया था तो मैंने यहाँ पे क्लाइंट भी बहुत, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सर फ्रेंड्स को भेजा, अपने मैंने क्लाइंट्स को भेजा यहाँ पर आपके पास, तो पहले से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना भी, और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, बिना मेडिसिन वगैरह भी, हमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसमें, लेकिन अब कोई पेन हो रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है, अब उसके लिए सब मेडिसिन वगैरह खाते हैं, बट मुझे इनके पास आने के बाद मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है कि मैं फिट, कौन सा नाम है, Active Plus में मैं आना चाहूंगा। So, thank you viewers, वीडियो को देखने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए इतने धैर्यपूर्वक, प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, इसके बिना आप बिल्कुल ना जाएं, हमारे ज्यादातर लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं, प्लीज 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 करें, थैंक यू।